नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका नया भर्ती आने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर माह में दिखाई दे देगा। आपके सामने स्क्रीन पर ये नोटिस दिखाई दे रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सितंबर माह में आपका ग्रुप डी का भर्ती आने जा रहा है। और ये जान जाइए कि जो नया भर्ती आ रहा है रेलवे ग्रुप डी में, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके लिए टोटल पोस्ट, योग्यता, एग्जाम मोड, एज क्या रहने वाला है, इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे से संबंधित हर अपडेट तथा जो जनरल साइंस पूछा जाता है वो सबसे बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का भी काम किया जाएगा। देखिए, रेलवे में ग्रुप डी यानी लेवल वन के पोस्ट पर अच्छा खासा हमेशा से रिकॉर्ड है कि भर्ती आते रहता है, और जो मीडियम क्लास के लड़के रहते हैं उनका सिलेक्शन अधिकतर करके ग्रुप डी में ही हो जाता है। और देखिए, ग्रुप डी से पहले आपको एक और भर्ती दिखाई देने जा रहा है जून माह में, जिसका नाम है NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती आने जा रहा है। वो आपका 15 से 20 हज़ार अच्छा खासा पोस्ट पर आने जा रहा है। 2019 में भी आपका NTPC का भर्ती आया था, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। तो आपको क्या करना है अगर NTPC का तैयारी करते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर NTPC 2021 वाला यानी जितना TCS का एग्ज़ाम हुआ था उसका सोल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें 1 से लेकर 60 तक यानी 1 से 60 तक का सोल्व पेपर सेट दिया गया है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। आप इस किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 ले सकते हैं हिंदी मीडियम में तथा इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तथा इसका वॉल्यूम 2 भी है। वॉल्यूम 2 में आपका 60 से लेकर 61 से लेकर 129 तक सेट दिया गया है। आप NTPC का तैयारी करते हैं, 2 वॉल्यूम लेकर लगा जाइए, आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा तैयारी भी हो जाएगा। देखिए, जो आपका ग्रुप डी में भर्ती आने जा रहा है वो टोटल आप देखिएगा तो आपका 30,000 से 35,000 पोस्टों पर भर्ती आने जा रहा है। कितना? 30,000 से 35,000 पोस्टों पर आपका भर्ती देखने को मिल सकता है। किस में? रेलवे ग्रुप डी में। उसके लिए जो योग्यता का बात किया जाए तो हमेशा से ग्रुप डी के लिए 10th पास, क्या हमेशा से ग्रुप डी के लिए आपका 10th पास रखा गया है। लेकिन हो सकता है कहीं इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले बार नोटिफिकेशन में बताया जा चुका है कि ITI लागू होगा। अगर ITI लागू होता है तो सभी पोस्टों पर नहीं होगा, उसमें से 50 से 60% पर होगा। लेकिन देखिए क्या होता है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हमेशा ओनली 10th पास पर ही रखा गया है। इसका नोटिफिकेशन जो है आपको सितंबर माह में दिखाई देगा। इसका नोटिफिकेशन कब आने जा रहा है? सितंबर में। इसका एग्ज़ाम जो आपका होता है, एक एग्ज़ाम होता है CBT 1 होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, और CBT 1 पर ही आपका इसका मेरिट बनाया जाता है। किस पर? CBT 1 के एग्ज़ाम पर ही इसका मेरिट बनाया जाता है। इसके एज का बात किया जाए कि एज कितना रहता है, एज इसमें अच्छा खासा 18 से 33 साल जो है वो आपका UR के लिए दिया जाता है। UR का एज कितना रहता है? 18 से 33। और OBC का बात किया जाए तो 3 साल का छूट यानी 18 से 36, और SC ST का बात किया जाए तो 5 साल का छूट दिया जाता है। अब आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छे से देखिए। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, कितने अंक रहते हैं? ये टोटल आपके 100 अंक रहते हैं। देखिए, रेलवे का जो पैटर्न है लगभग देखिएगा तो आप ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी RPF सबका पैटर्न लगभग 70 से 80% सेम ही रहता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब में रहता है, दम मैथ रीजनिंग सबका पैटर्न सेम रहता है। साइंस एक NTPC में कम रहता है, बाद बाकी में सबका साइंस सेम ही रहता है। इसलिए अगर रेलवे का तैयारी करते हैं तो केवल एक एग्ज़ाम जैसे या ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी टारगेट नहीं बनाना है, सबको टारगेट बनाकर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 अंक का पूछा जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का बात करें तो
इसमें निगेटिव आपका 1/3 रहता है, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक जो आपका सही होता है उसका आंसर कट जाता है, यानी 1/3 निगेटिव रहता है। इसमें टाइम का बात किया जाए, क्या चीज़ का? टाइम। ठीक, देखिए टाइम का अगर हम बात करें तो टाइम इसमें आपको 90 मिनट का दिया जाता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का आपका टाइम मिलता है। और ये एग्ज़ाम आपका CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट देना होता है। और 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट समय रहता है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा स्पीड भी होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो 100 प्रश्न पूछा जाता है, देखिए उसमें मैथ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपसे मैथ का पूछा जाता है। मैथ के कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। वही अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन, यानी कि मैथ रीजनिंग मिलाकर यही दो सब्जेक्ट आपसे 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण रूल इसमें जो निभाता है वो आपका साइंस है। साइंस में आपका जनरल साइंस रहता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर पूछा जाता है। और इस तीनों जो होता है 10th लेवल के स्टैंडर्ड से रहता है, और इससे आपका 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 25 मैथ का क्वेश्चन, 30 रीजनिंग का क्वेश्चन और साइंस का आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहता है। और GK यानी जनरल नॉलेज में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, खेलकूद हो गया, यानी सब कुछ हो गया। ये सब कुछ मिलाकर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल जब ऐड कीजिएगा तो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो 100 प्रश्न है, फिर समझिए मैथ का आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग का आपसे 30 क्वेश्चन, साइंस का आपसे 25 क्वेश्चन तथा GK और करंट अफेयर का आपसे 20 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि टोटल जो आपसे है वो 100 प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न, और इसका कट ऑफ भी उतना हाई नहीं जाता है। अगर 65 से 70 अंक 100 में ला लेते हैं तो आपका समझिए सिलेक्शन पक्का ही रहता है। और इसमें नॉर्मलाइज होता है, जिसमें हर किसी का 2, 4, 5, 10 अंक बढ़ता ही है। ये था आपका रेलवे ग्रुप डी न्यू भर्ती जो 2024 में आ रहा था, उससे संबंधित संपूर्ण डिटेल्स। टोटल 30 से 35 हज़ार पोस्टों पर भर्ती आएगा। इसके लिए योग्यता आपका 10th पास पहले था, लेकिन न्यू वाले में क्या होता है ये देखना है कि ITI लगता है कि नहीं लगता है, सभी पोस्ट पर लगता है कि कुछ पोस्ट पर लगता है। इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा। इसमें एक एग्जाम CBT 1 होता है, एज UR के लिए यानी जनरल के लिए 18 से 33 साल रखा जाता है। ये था आपका एग्जाम पैटर्न। और भी किसी भी तरह का अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।